टीकमगढ़ जिले के खीरिया चौकी कोतवाली थाना अंतर्गत ग्राम करमारई में एक बालिका को अपहरण करने का मामला सामने आया था। टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी और मीडिया में मामला आने के बाद कोतवाली थाने में अपहरण पास्को एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। टीकमगढ़ कोतवाली अंतर्गत ग्राम करमारई में 1 तारीख की रात्रि को तकरीबन 10 बजे एक नाबालिग के अपहरण करने का मामला सामने आया था। पीड़ित के परिजनों द्वारा बताया गया कि जब नाबालिग लड़की रात्रि में सोच के लिए बाहर गई थी, तभी दूसरे गांव के नाबालिग लड़के द्वारा उसका अपहरण कर लिया गया था। उसके साथ उसका एक साथी और मौजूद था। विधायक राकेश गिरी द्वारा उक्त मामले को लेकर पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की। पुलिस द्वारा आरोपियों की तलाश की जा रही है। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। सर, एक नाबालिग के साथ अपहरण करने का मामला सामने आया, सर क्या मामला, क्या कर रहे थे? हाँ, ये थाना कोतवाली चौकी खीरिया क्षेत्र का मामला है। एक नाबालिग लड़की के साथ में अपहरण और छेड़छाड़ करने की सूचना है, जिस पर जो है थाना कोतवाली में अपराध कायम किया गया है। धारा 354 और 500 एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी, सर आरोपी की तलाश जारी है। अरविंद नाम का लड़का, यानी कि 1 साल से आता था, यानी कि रस्ती में हम मंदिर जाते थे कभी कभी, कुंडी से मंदिर आते थे शॉपिंग करने के लिए, भगवान को दर्शन करने के लिए, तो वो तभी से देख रहा, यानी कि छेड़खानी करता था मेरे साथ। कभी नंबर देता था कि तुम मुझे पसंद हो, मुझसे बात कर लिया करो, तो हम बिल्कुल भी नहीं सुनते थे। हमने घर वालों को किसी को बताया नहीं। फिर उसके बाद सर, फिर हम कल रात को हम लेटिंग करने के लिए गए थे, तो लेटिंग करने के लिए गए थे तो उसने ये बोला था, यानी कि तुम मेरे साथ चलो। हमने कहा नहीं, हम नहीं जाएंगे। तो एक और लड़का था उसके साथ, अरविंद के साथ, वो दोनों हमें जो ऐसी पकड़ के ले गए थे, यानी कि गाड़ी पे ले गए थे साथ प्लॉट पर। तो उसने प्लॉट पर जाकर मेरे साथ बदतमीजी की, और उसने मारने की धमकी भी दी थी। हमने मना किया था कि नहीं, वो कह रहा था मुझे तुम्हारे साथ रेप करना है। हमने कहा नहीं, मुझे नहीं करना है। तो उसने जैसी धमकी दी मुझे ऐसे कहने के लिए, करने के लिए, और लड़का झलकाया भी था। हमारी सिस्टर के साथ ये घटना हुई है कि लगभग 1.5 साल से लड़का एक अरविंद आदिवासी, उसका एक फ्रेंड है, दोस्त, जो हमारी सिस्टर को 1.5 साल से परेशान कर रहा है। परेशान करने के बाद वो कभी मंदिर जाती है कुंडेश्वर भगवान के दर्शन करने या मार्केट घूमने, तो कभी छेड़खानी करता है, बदतमीजी करता है, नंबर दे दो मुझे, मेरे साथ चलो। जो हमारी सिस्टर उसको चीज़ को मना करती है, वो नहीं जाती है, फिर भी बदतमीजी करता है। एक तारीख की बात है जो हमारी सिस्टर फ्रेश होने जा रही थी करीब 9-10 के बीच में, तो वहाँ से वो दो लड़के, अरविंद आदिवासी मिनोरा का और इसका एक फ्रेंड, जो दोनों आए एक बाइक से और मेरी सिस्टर से जबरदस्ती करने लगे। जबरदस्ती करके मेरी सिस्टर को भी ले गए। ले जाने के बाद जहाँ वो ले गए मुझे तो ये पता नहीं है, वो ले गए रात भर। मेरी सिस्टर वहाँ पे मेरे घर पे नहीं आई वो है, तो हम लोगों को ढूंढा, मतलब देखा, हमने जानकारी लगाई तो वो नहीं मिली मुझे। तो सुबह सिस्टर मेरी लगभग 4:30-5 बजे तक मेरी सिस्टर घर पर आ गई थी। इसके बाद मैं खीरिया चौकी गया, तो खीरिया चौकी में सुबह 6 बजे पहुंचा। 6 बजे से लेकर मैं 2 बजे तक खीरिया चौकी में मेरा सारा परिवार सहित पूरा वहाँ बैठा हुआ था। वहाँ पे कोई FIR दर्ज नहीं हुई, ना कुछ मेरी सुनवाई हुई है। इसके बाद खीरिया चौकी प्रभारी जी ने मुझे कोतवाली भेज दिया था कि आप कोतवाली जाइए, वहाँ आपकी FIR दर्ज होगी। मेरा पूरा परिवार, मेरी सिस्टर में कोतवाली आया, तो कोतवाली में मैं 6 बजे तक बैठा रहा। मेरा वहाँ पे कोई किसी ने सुनवाई नहीं की। तो इसके अलावा एक मतलब पुलिस वाला था, मुझे पता है, मुझे 3 दिन के चक्कर लगा रहा, कुछ नहीं हुआ। संस्कार समाज की महिला है और उसको जबर जोग उठा के मैं उसको घटना जाना, शायद उसकी सुनवाई इसलिए नहीं हो रही है कि वो दलित है। और मैंने संबंध में खीरिया चौकी में भी संपर्क किया था, उसके बाद टीकण कोतवाली भी कल TI को फ़ोन लगाया, आज भी फ़ोन लगाया, वो कोतवाली भर बैठी रही, लेकिन उसके बाद इस पर कार्रवाई न होना कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। निश्चित तौर पर हम SP और IG साहब से इस संबंध में चर्चा करेंगे, और ये जो लड़की है जिसके साथ अत्याचार अन्याय हुआ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।